बहस करिए। ये है अर्ध पवन मुक्तासन, अब मैं आपको पवन मुक्तासन करके दिखाता हूँ। जनरली इसी पोजिशन में आप देखेंगे क्या होता है, अपने जो पांव के होते हैं उनको अपने नाक पर करना है। देखिए इस आसन से देखो शरीर का हर एक योग का एक आसन से आपको जगह जगह पे तनाव महसूस हो रहा होगा, खिंचाव महसूस हो रहा होगा। ये ही आपकी जहाँ जहाँ पे तनाव और खिंचाव महसूस हो रहा है वहाँ पे इफेक्टिव होता है। जैसे हमारे पेट पे खिंचाव हो रहा है तो हमारे पेट के लिए अच्छा है, कहीं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में या कमर पे खिंचाव हो रहा है तो वो कमर के लिए अच्छा है। ऐसे हर योग के 3 से 4 इफेक्ट है। खाली एक योग एक उपचार के लिए नहीं है, कई तरह के उपचार होते हैं उनसे। जैसे आपने ताड़ासन करा तो हाइट बढ़ेगी आपकी, लंबाई बढ़ेगी, साथ में आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, इस तरह के इफेक्ट होते हैं। अब आपको सरल आसन कराता हूँ, दोबारा आप तितली आसन बैठिए, आपका ध्यान भटक रहा है इसलिए लाना पड़ेगा। अगेन ओके स्टॉप। अब मैं आपको बताऊंगा उर्ध्वष्टासन। कौन सा आसन? शरीर को पांव पे घुटने के बल बैठ जाएंगे, मैं करके दिखाता हूँ, पहले आप लोग देखेंगे फिर आप प्रयत्न करेंगे। जैसे मदासन बैठे थे ना वैसे ही बैठना है, बस यहाँ पे घुटने पे आना है और शरीर को पीछे तरफ झुकाना है, जितना संभव जितना झुकता है उतना झुकाना है, पोजिशन को होल्ड करना है, सांसों को लेते रहना है, छोड़ते हुए वापस अपने जगह पे आना है। आप लोग सब प्रयत्न करेंगे, मदासन बैठ जाएगी सभी, जितना हो सके इतना करेंगे। चलिए खड़े हो जाइए, एक बार शरीर को किसी तरह मूव करिए, ऐसे अगे सांस को लगते हो पीछे तरफ जाइए। ये था अर्धोष्टासन। कौन सा आसन? अब मैं आपको बताऊंगा उष्टासन। इसका क्या होता है, शरीर के अब झुके तो पीछे, अब क्या करेंगे अपने, जैसे जैसे मैडम कर रही है ना, अपने एड़ी को टच करेंगे। ओके करके दिखाइए मैडम एक बार प्लीज, देखिए फोकस फोकस फोकस, इतने बड़े बड़े योगी हुए हमारे साथ। देखिए चलिए आप पीछे हाथ पड़ेंगे, जिससे होता होता करेंगे, क्या करेंगे हाथ को पाँव टच करेंगे, दूसरा हाथ रहेंगे पीछे और दूसरा घूम जाएंगे, बहुत आसान है। बेटे बेटी भी सावधान होता है, आप लोगों को पता है जब भी हमारी क्लास चलती है आर्मी के दौरान क्या होता है, कोई अफसर निकल जाता है तो क्या बोलते हैं, बेटे बेटे सावधान बैठ, एकदम तन के बैठते हैं, अफसर निकल गया सैल्यूट हो गया, बोलते विश्राम रिलैक्स। देखिए आर्मी की आत्मशासन, देखिए आप क्लास चल रही है, पढ़ाई हो रही है, आपको उठाएंगे नहीं, वो पर क्या है किसी अधिकारी का सम्मान कैसे दिया है, बेटे सावधान बैठ विश्राम, ठीक है ओके। अब मैं आपको सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा वक्रासन। वक्र का मतलब क्या होता है हिंदी में पता है किसी को? संस्कृत वाले टीचर बता सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। आप लोग आजकल खाते हैं ना कुरकुरे टेढ़ा मेढ़ा, तो वक्रासन, वक्र का मतलब टेढ़ा। एक ऋषि थे वक्र ऋषि, उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, वो शरीर से पूरे टेढ़े मेढ़े थे, तो उन्होंने ये आसन को बनाया था। अपने दोनों पाँव आगे कर दीजिए, अपने लेफ्ट पाँव को राइट पाँव को फोल्ड करिए, हो गया, दोनों हाथ पीछे तरफ टिक के आराम से बैठ जाइए। देना मैडम सही कर रहे हैं, अब क्या करेंगे आप अपना लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और उन्हें देखे साइड से निकालते हैं, दोबारा उस पाँव को टच करेंगे, पीछे तरफ देखेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ेंगे और पीछे तरफ
ये आसन की विभिन्न मुद्राएं हैं, इसको आप निरंतर 15 से 20 बार से प्रारंभ करेंगे, बढ़ते बढ़ते 50, 60 नंबर आप जितने आप कर सकते हो तो करेंगे, तो आपको बहुत उचित लाभ मिलेगा। एक आसन है भुजंग आसन, मैं सिंपल बताऊंगा, थोड़े समय बताऊंगा। भुजंग का मतलब समझते हो आप? कोई बता सकता है? हाँ मैडम बताइए। सांप। भुजंग का मतलब तो सांप कैसे रहता, जमीन पर लेटे रहता ना, और फन उसके ऊपर रहता है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, आप लोग पहले मुझे देखेंगे फिर कॉपी करेंगे। आप इस प्रकार उल्टा लेट गए, दोनों हाथों की पोजीशन जैसे आपको आवश्यकता लगे ऐसे लेट गए, और ऊपर तरफ देखेंगे, सही तो ऊपर उठाएंगे और पीछे तरफ देखेंगे इसे। इस प्रकार की पोजीशन होती है भुजंगासन, जो बच्चे कर सकते हैं एक बार पोजीशन लगता रखिए। वेरी गुड सर। क्या करेंगे? दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, अपने चेस्ट के साथ बढ़ाइए और सर को ऊपर उठाते हुए पीछे को देखना है जितना मुनासिब। हर्षवर्धन वापस आइए, यथास्थिति में आइए, सांस लीजिए, सांसों को भरिए। अब है ना, ये जो ध्यान होते हैं ना, आप सुनते रहिए, तरीका है लघु दीर्घ, आपने बहुत आराम आराम से करा था। आप क्या करेंगे, अगर आपको बॉडी बनाना है, चेस्ट बनाना है, सिक्स पैक बनाना है, तो इसको इतनी मूवमेंट करेंगे। पेशेंस सर, मैं करके दिखाता हूँ पहले। जल्दी जल्दी जन्म, ओके स्टार्ट। स्टॉप। कैसा लगा, आनंद आया? आनंद आया? ओके, दोनों हाथ आगे कर दीजिए, रिलैक्स, लेट जाइए, सभी लोग लेट जाइए, रिलैक्स, लेट जाइए एक बार। ये कौन सा आसन है? स्लिप आसन। कौन सा आसन है ये? स्लिप आसन। ओके ठीक है, आप रिवर्स लेट जाइए, रिवर्स लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए प्लीज एक बार। रोहित भाई, रोहित भाई, पाँव सीधे करिए, हाथ सीधे करिए, सभी लेट जाइए, आसमान तरफ देखिए। अब आप शरीर में सुख महसूस कर रहे हैं? सो जाओ। आप लोग सुख महसूस कर रहे हैं? तो मैं बताना चाहूंगा, इस आसन का नाम सुखासन है। नहीं, इस आसन का नाम है सवासन। एक मरे व्यक्ति की तरह लेट गया, ये सवासन हो गया, समझे? जब प्रथम में लेटे थे उल्टे, वो था सुखासन। अब आप ऑफिस उल्टे लेट जाइए। अब आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए शरीर को ऊपर, पहले सुनेंगे आप, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और पीछे से दोनों पांव को ऊपर करके और पांव सीधे। करिए बेटा जितना होता है, ठीक है? ओके, स्टॉप। आप लोग ऐसे लेटे रहिए, मैं आपको एक मकरासन दिखाता हूँ। मकरा का मतलब समझते हो? नॉर्मल भाषा में बकरा का मतलब कामचोर होता है, पर यह मकर आसन है, यानी कि मगर की तरह, ठीक है? अपने नाभि पे अपने हाथ रखे, आराम हो रहा है आपको? तो ध्यान देंगे, आप अपने पाँव पे हिलाते रहिए, गुज्जर, अपने एक्सरसाइज करिए। आप सब लोगों ने देखा होगा रामायण में हनुमान जी जाते हैं ना, ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे,
किसका पावर हिपोटेज हो रहा है मुझे बताना। क्वाइट ओके, आप अगर आसन से नहीं करोगे तो फिर कठिन आसन कराऊंगा आपको। ओके स्टॉप, एक सेतुबंधासन मतलब ब्रिज। क्या होता है सेतुबंध का मतलब? एक ब्रिज बनाना, नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए क्या बनाते हैं? ब्रिज। तो कैसे बनाएंगे अपन, हम मैं पहले करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। आप लेट जाएंगे, पाँव को आगे खींचेंगे, शरीर पाँव को टच नजदीक लाएंगे, शरीर को ऊपर करके सर को टिका के शरीर को ऊपर ले जाएंगे। जैसे मार्ग को नदी क्रॉस कराने के लिए कैसे ब्रिज बनाते हैं आप देखिए पहले। आप ओके, आप लोग नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, एक लास्ट व्यायाम बताता हूँ मैं, सर्वांगासन। सुना है सभी ने सर्वांगासन? हमारे सर ने सुन रखा है सर्वांगासन, जो मैंने उत्तान प्रदर्शन किया है इसमें शरीर को और ऊपर ले जाते हैं। मैं करके दिखाऊं पहले, देखो बच्चे ने कर भी दिया, सोनल ने कर लिया है, सोनल को आता है। आपको कहता है ओके, जिससे नहीं होता मुझे देखेंगे एक बार। सर आप लेट जाएंगे, ठीक है यथा स्थिति में आ जाइए। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, कैसा लगता है? पाचन शक्ति मजबूत, एकाग्रता मिलती है। और मैं इसमें एक आसन को और दीर्घ करके बताऊंगा, आप खाली देखेंगे करेंगे नहीं। सर्वांग आसन में आपने पांव पर करे, इसको पीछे टच करेंगे खाली, आप लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? ये आसन की धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है, एक दिन में सारा नहीं कर पाएंगे। हम जैसे सिखा रहे हैं ना, आप ऐसे निरंतर करते रहेंगे घर पे तो आपको याद आ जाएगा। सभी आसन समझ में आ गए आपको? एक लास्ट सिर्फ, सभी लोग करेंगे नहीं पहले? ओके, करके दिखाइए बेटा, सभी देखेंगे करेंगे कोई नहीं। अभी एक इस पोजीशन में स्टैंडिंग रहना है। चलिए जोर से ताली बजाइए। प्रतीक ने बहुत अच्छा करा है, देखो इस बच्चे का टैलेंट है, इसने दिखाया, इसीलिए हमारा स्कूल यही मंच देता है आपको। आप आगे आइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए। यहाँ प्रतिभा मैडम है, वो आपकी प्रतिभा को और आगे बढ़ाएंगे। और देखिए टैलेंट कभी भी छुपना नहीं चाहिए, जब टैलेंट दिखता है ना तभी उस पर पॉलिश करेंगे। हमारे माननीय प्रिंसिपल महोदय, सभी टीचर्स स्टूडेंट को बराबर मौका देते हैं, आप अपना हुनर दिखाइए। आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी है वो नए नए एपिसोड आते इंडिया गॉट टैलेंट, आपको ये नहीं पता हमारा उज्जैन में उज्जैन टैलेंट भी हो चुका है। तो हमारे स्कूल का भी सर ने बताया है, सजेस्ट किया है हमारे को कि सर हम उज्जैन में भी अपने स्कूल में भी एक दिन अपना FGI टैलेंट आयोजित करेंगे। तो आप लोग तैयारी करके रखिए, जिस चीज को जो आती है वो आप तैयार करके रखेंगे और बताएंगे। ओके, यही जो सेशन उन्होंने, मैं साथ दोनों गुड़िया करेगी और मैं करके दिखाता हूँ इसकी अलग अलग स्टेप। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम और श्वासन। दोनों हाथों को छोड़ के आधे हाथों में और आधे सर
हेलो के सारे करेंगे, सर के कुछ चीज लगाएंगे, बजाइए गद्दा बिछा के करेंगे ताकि चोट ना लगे। कौन कौन कर सकता है ऐसा? कौन कौन कर सकता है ऐसा? बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे बच्चों से ज्यादा टीचर ने हाथ खड़े करे हैं। एक बार टीचर के लिए तालियां, जोर से तालियां। अभी हम अपने योग दिवस योग सर के कक्षा के अंतिम चरण में है, तो हम श्वसन संबंधित एक्सरसाइज करेंगे, अनुलोम विनोलोम, कपालभाति। सभी सुना होगा, सभी आजकल हमारा देश तो विश्व गुरु बन चुका है और हमारे विद्यार्थी कहीं पीछे नहीं है। आप पहले पद्मासन की पोजीशन आपको किस किस को आती है अख्तियार करिए। हल्की पल्की वाले के बैठते ना अपन, उसी में एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखना है। देखिए पहले एक पाँव ऊपर रख लीजिए जंगा पे और दूसरा पाँव उठा के फिर रख लीजिए। बन गया पद्मासन। कौन सा आसन है? पद्मासन। पद्मासन यानी कमल। माँ सरस्वती किस आसन में बैठती है? कमल। ठीक है, बहुत आसान है ये तो। ओके, कर लिया आपने। अभी श्वसन क्रिया के पहले मुझे एक चीज और याद आ गई। आप दोनों हाथ से दोनों अंगूठे पकड़े, इतना मुश्किल है कि आसान है? ओके, तो चेंज कर लीजिए। आप दोनों को खींची अंदर की ओर, ठीक है? ओके, अब आप बिल्कुल पद्मासन बैठ जाइए। अगर जिनसे नहीं हो पा रहा है तो वो सुखासन बैठ जाइए। सुखासन मतलब साधारण आसन हो गई सुखासन, और ये दोनों पांव को ऊपर ले आए तो क्या हो गया? ये पद्मासन। आप लोग जवाब देंगे क्या हो गया? ये पद्मासन। यहीं से आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? कपालभाति। क्या करेंगे? कपालभाति में क्या होता है, अपनी नासिका से सांसों को बाहर एक्सहेल करना है। फोर्स के साथ सांस बाहर फेंकेंगे।